लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रह्माचित शंकर प्रवृत्त देव बंदिता माम बाप कन्या का हाथ अपने हाथ में लीजिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणवंत जंगम कुंडली कांतम या कुंडली सादराया सुवस्था विदाया वीणा वर्दन मंदिर कराया जा ब्रह्माचित शंकर प्रवृत्त देव बंदिता माम बाप ओम भू ओम सा ओम गणपते गिरजा उंगवा मे ओम मंगल कलम भगवान विष्णु मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणवंत जंगम कुंडली कांड पता चला? कुछ पता नहीं चला, सब चुपचाप हैं। डॉक्टर किसी को मिलने नहीं देते। आज तीसरा दिन है। तू कुछ खा ले बेटा, शायद आज मिलने दे। मैं देखकर आता हूं। मुझे क्या मालूम था कि शादी की घड़ी मेरी बेटी की जान की दुश्मन बन जाएगी। जो हुआ उसे भूल जाइए, सब सब ठीक हो जाएगा। लो डॉक्टर साहब, जान का खतरा तो टल गया। क्या हम उसे देख सकते हैं डॉक्टर साहब? क्यों नहीं, मगर कुछ देर के लिए। आइए आइए। डॉक्टर साहब कह रहे थे जान का खतरा टल गया बेटी। जान का खतरा ही क्या सब कुछ होता है मम्मी। विनोद कुछ कहे बगैर चला गया, बात समझ नहीं आई। किसी जरूरी काम से गया होगा, इसमें फिक्र करने की क्या बात। पूनम की हालत देखकर उसकी निगाहें कुछ बदली सी नजर। ठाकुर साहब ये आपको वहम, मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह जानता हूं। वो मेरी मर्जी के खिलाफ सोच भी नहीं सकता। बिटिया की जान बच गई है, कुछ दिन में ठीक हो जाएगी। बस आप शादी का मुहूर्त निकलवाइए। किसकी शादी? अब मैं पूनम के साथ हरगिज शादी नहीं करूंगा। विनोद ये क्या कह रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूं डैड, मैं उस जले हुए चेहरे वाली लड़की के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। राम राम।
कैसी दोस्ती के दम भरते थे, यही है तुम्हारी जबान? तुम्हारा बेटा रंग बदले और तुम? वो तमाम बातें जब कहना चाहते हैं मुझे जबानी याद है ठाकुर साहब। जबान की कीमत, जान देने की परंपरा, मैं सब समझता हूं। जबान पे तो जान मैं भी दे सकता हूं, लेकिन उस बदसूरत लड़की के लिए नहीं। विनोद, ये शादी होगी? हाँ डैड, शादी तो जरूर होगी, लेकिन मेरी नहीं। हे भगवान, अब मेरी बच्ची का क्या होगा? उस रात के हादसे के बाद से तो वो यूं ही घुट कर रह गई। अब ये सुनेगी तो भगवान न करे, ठाकुरों में सबाल से ज्यादा सूरज कब से देखी जाने लगी? जब से ठाकुर रोने लगे हैं। पहुंच डालो अपने यहां से और शुक्र करो भगवान का कि हम अपनी बेटी को सूरज देखने वालों के यहां बयाने से बच गए। ये क्या हालत बना रखी है तूने अपने बालों की? मैंने सुन लिया है मम्मी। क्या सुन लिया? वही जो तुमसे कहा नहीं जा रहा कि विनोद ने शादी करने से इनकार कर दिया है। इसमें रोने की तो कोई बात नहीं है मम्मी, शादी में सूरत तो देखी जाती है ना, और मेरी सूरत तो ऐसी हो गई है कि मुझसे खुद ही नहीं देखी जाती। कैसी आग लगी है दुनिया को, अब बड़े लोग भी छोटे हो गए हैं। क्या मामा? विनोद ने पूनम के साथ शादी करने से इनकार कर दिया है। क्या? नहीं, तुम क्या समझते हो कि मैं पूनम से प्यार करता हूं इसलिए उससे शादी करना चाहता था? नहीं, मैं तो सिर्फ उससे बदला लेने के लिए शादी कर रहा था, और वैसे भी शादी के बाद उसकी जिंदगी खराब होने वाली थी, शादी से पहले हो गई। मेरा काम पूरा हो गया। इतना तो मालूम था कि तुम्हें गिरे हुए शख्स हो, लेकिन इतने नीच हो इसका अंदाजा नहीं था। चंदर, अब तुम सिर्फ तुम्हारे लायक रह गई है। गो अहेड। पूनम किसके लायक है और किसके लायक नहीं ये तुम्हें नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि तुम कभी पूनम के लायक नहीं थे। स्टुपिड फेलो। क्या बात है चंदर? पूनम की शादी के बारे में जो कुछ सुना है क्या वो सच है ठाकुर साहब? हाँ सच है। तो फिर? क्षत्रियों में तो फिर नहीं होता चंदर, पहले तुम लड़कियों को पैदा होते ही मार डालते थे, वही सोच रहा हूं ठाकुर साहब। और क्या करूं, बाजार से ना ही तो उसके लिए कोई नया चेहरा खरीद सकता हूं और ना ही कोई वर। ठाकुर साहब, मुझे तो आपकी मेहरबानियों ने पहले से ही खरीद रखा है। हीरा चाहे कितना भी दागदार हो लेकिन पीतल की अंगूठी में नहीं लगता। ये बात सोचने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें? हमारी मेहरबानी को गलत मत समझना, अपनी जान पर खेलकर अगर तुमने पूनम की जान ना बचाई होती तो आज की रात तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात होती। नमक हराम। ठाकुर साहब, मैं अपने प्यार पर शर्मिंदा नहीं हूं, फिर भी आपसे क्षमा चाहता हूं। मैं कुछ भी हो सकता हूं लेकिन नमक हराम नहीं हो सकता। ये आपने क्या किया? आखिर आपको कब समझ आएगी? क्या आपको मालूम नहीं कि पूनम भी यही चाहती है?
पूनम अगर कुएं में कूद जाना चाहे तो इसका मतलब हम उसे कूदने देंगे? वो तो इसके साथ भाग जाने के लिए तैयार थी। पूनम चंद्र के साथ भाग जाना चाहती थी? हाँ, और उसी ने यह कहकर मना किया था कि वो आपके साथ नमक हरामी नहीं कर सकता। ये बात मैंने अपने कानों से सुनी थी। भगवान के लिए अपनी बेटी की खुशियों को अपने खानदान और दौलत की तराजू में मत तोलिए, उसके भविष्य का तो कुछ ख्याल कीजिए। पूनम बेटी, तेरे डैडी राजी हो गए हैं मुझे गोली मारने पर। कैसी बातें कर रही है? तेरे डैडी तेरी और चंद्र की शादी के लिए राजी हो गए हैं। बेटी, हम तो चंद्र के पांव धोकर पिए तो भी कम है, वरना उस मनहूस रात के बाद। खैर, तू भूल जाए सब बातों को, अब तो तू अपने और चंद्र के बारे में ही सोच। तुम यहां से जाओ चंद्र। एक बार देखो तो सही। नहीं, तुम देखोगे तो नफरत करने लगोगे मुझसे। मेरे चेहरे पे मेरी बदकिस्मती की कहानी लिखी है। आईना देखती हूँ तो खुद नफरत होने लगती है अपने आप से। तो मोहब्बत थी कब अपने आप से? मोहब्बत तो मैं करता हूं तुमसे। ये वो होंठ हैं जिन्हें मैं अपनाना चाहता हूँ, ये वो आंखें हैं जिनमें मैं बस जाना चाहता हूँ, ये वो निशान है जो प्यार का चिराग बनकर मेरी जिंदगी को चकमका देंगे। मैंने तुम्हारी खूबसूरती को कभी नहीं चाहा, तुम्हें चाहा है पूनम। वक्त गुजरने पर होठों का शहद भी सूख जाता है, आंखें भी अपना जादू भूल जाती हैं। तो क्या प्यार करने वाले अपना प्यार कम कर दें? प्यार का जिस्म से कोई ताल्लुक नहीं है पगली। हे भगवान, ऐसे सुंदर लड़के के भाग्य में ये जलमही लड़की। शारदा बहन, ये शादी तो सिर्फ पैसे के लिए हो रही है, ये लड़का तुम्हीं का पला हुआ है। ठाकुर साहब को जब कोई और वर नहीं मिला तो उन्होंने अपनी लड़की इसी की सर मर दी। लेकिन इस लड़के को भी शर्म नहीं है ऐसे सुंदर लड़के का जीवन खराब करते। पूनम, बार बार पुकारने पर भी तुम्हें रुके, इसलिए मुझे यहां तक आना पड़ा। क्यों आना पड़ा? वही बात बार बार सुनने का तुम्हें इतना शौक क्यों है? चेहरा जल जाने का यह मतलब नहीं कि मैं अपने किसी नौकर की बेटी से शादी कर लूं। यह बात तुम्हें आज ही क्यों याद आई कि मैं तुम्हारे किसी नौकर का बेटा हूं? कुछ दिन पहले तो तुम मेरे साथ भाग जाना चाहती थी। और तुम इस मजाक को हकीकत समझे? और क्या, वो तमाम सपने में मजाक ही थे जो हमने साथ साथ देखे थे। वो हमारी आंखों का धोखा था। और अब तुम जा सकते हो, मैं तुम्हारे यहाँ आ जाने की गलती माफ करती हूँ।